चेक चेक हेलो वन टू थ्री फोर वन चेक 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 हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत चलिए अच्छा कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल मत पूछना मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा इसका वादा है अलीगढ़ इतने सारे माइलस्टोन्स पार कर रही है तो कितना प्राउड फील करते हैं और आपको जो अवार्ड से नवाजा गया है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे अलीगढ़ की जो जर्नी शुरू हुई थी फरवरी में इस साल और उसके बाद हमें नहीं लगा था कि ये इसकी जो जर्नी होगी इतनी लंबी होगी और अभी भी चल रही है जब हम आपसे बात कर रहे हैं कई सारे देशों में इसको दिखाया जा रहा है और इसको सराहा जा रहा है मुझे जो अवार्ड मिला है मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी एक डिपार्टमेंट में जब अवार्ड मिलता है तो पूरी फिल्म को मिलता है और ख़ास करके डायरेक्टर को मिलता है क्योंकि ये डायरेक्टर का विजन था हंसल मेहता का और मैं आई कैन टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम टू हंसल फॉर गिविंग मी दिस रोल आपके लिए कितना मायने रखता होगा बहुत ज़्यादा क्योंकि आप सिर्फ अपनी कंट्री में आप किसी अवार्ड फंक्शन में आपको अवार्ड नहीं मिल रहा एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे 78 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं 78 कंट्रीज़ के फिल्मों में से कुछ फिल्में चुनी जाती हैं कुछ परफॉर्मेंसेज चुनी जाती हैं सारे डिपार्टमेंट में जो नॉमिनेशन होता है वो 78 कंट्रीज़ की फिल्मों को देख करके किया जाता है दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक इसके अलावा जो हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे अवार्ड शोज होते हैं जी तो डू यू थिंक मतलब इस अवार्ड शो जैसे जो फिल्म सराहते हैं उस तरह के कोई अवार्ड शो होने चाहिए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं हिंदुस्तान में होनी चाहिए इंडस्ट्री में हो चाहे नहीं हो लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए जहाँ पर एशिया और के सारे जो फिल्में हैं उनको बड़ी बारीकी से देखा जाए उस तरह के नॉमिनेशन किया जाए अवार्ड जो हैं और कुछ नहीं होता है इनसे काम नहीं मिलता है लेकिन अवार्ड ये एक टाइम होता है रिकग्नाइज़ करने का एक नॉमिनेशन जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे होता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो मेरे साथ में जितने भी नॉमिनेटेड थे वो इस कैटेगरी में सारे के सारे विनर थे सारे के सारे ग्रेट एक्टर थे चाहे कोई साउथ कोरिया का था कोई इराक का ईरान का था कोई अमेरिका का था तो नवाज था नॉमिनेशन में तो ऑल ऑफ अस वर विनर्स उसमें से एक उन्होंने चुना वो ज्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है इसके अलावा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था आपको अपने किरदार को लेकर नहीं बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर जो जितने बड़े बड़े दिग्गज आए थे जो उस ज्यूरी में थे उनका नाम सुन के ही मैं डर गया था कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोई अवार्ड मिलेगा जिस तरह के नाम उस ज्यूरी में शामिल थे लेकिन सारी ज्यूरी ने ये कहा कि जो अलीगढ़ और फिल्म है या जो परफॉर्मेंस है वो उसको देखते हुए यही लगा उनको कि सबसे डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस उनको लगी फिल्म में इस तरह की फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं क्रिटिकली भी एक्लेम होती है लेकिन कमर्शियली अच्छा नहीं कर पाती तो उसके पीछे क्या रीज़न है देखिए क्या है पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा पत्रकार बंधुओं से ये कहता हूँ कि आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना बंद कीजिए और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पर जाइए क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए अलग डिपार्टमेंट है अलग लोग हैं वो देखते हैं मैं बॉक्स ऑफिस पे सोच करके कोई फिल्में करता नहीं हूँ तो इसलिए बॉक्स ऑफिस पे चलती है कि नहीं चलती है और तीन दिन में आप बिज़नेस को रैप अप कर देते हैं लेकिन अलीगढ़ जैसी फिल्म आज तक अलग अलग यात्रा कर रही है वो कोई फ्री में तो कर नहीं रही उसका जो पैसा आएगा या आ रहा होगा उसका हिसाब कोई रख रहा है आप में से कोई रख रहा है नहीं रख रहा है तो इस तरह की फिल्में लॉन्ग लास्टिंग होती हैं इस तरह की फिल्में ज़्यादा लंबे समय तक लोगों के बीच रहती हैं और अपना पैसा बनाती हैं उसके ज़्यादा प्रॉफिट भी देती हैं खैर वो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं एक्टर का काम है एक्टिंग करना एडिटर का काम है एडिटिंग करना कैमरामैन का काम है कैमरा करना इसमें पैसा कहाँ से आता है नाम शबाना है जिसमें एक सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ रामू जी की फिल्म में कई सालों के बाद रामू ने मुझे डायरेक्ट किया उसकी बहुत खुशी है स्पेशल अपीयरेंस किया है मैंने सरकार थ्री में दो अंग्रेज़ी फिल्में अब अमेरिकन प्रोडक्शन है उनको किया है इसी तरह से थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ आप लोगों की दया है कौन सी फिल्म अलीगढ़ की मूवी आपकी मूवी अलीगढ़ है अच्छा लोग
निर्जा और दंगल के लेवल की माने मान रहे हैं लोग, तो इस बात से आप अलीगढ़ इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म पीरियड। खड़े रहिए वो विजुअल बस सर, वेट सी वन सेकंड। आ जाओ एक तरह राइटर भी है वो पूछना पड़ता एक्टिंग में कंप्लीटली भाई मेरे को नहीं मिल रहा, उठा लेना। ओके चल के लिए कितनी स्पेशल होने वाली है ये, इतने सारे अवार्ड शो में उसको सराहा गया है, कितना प्राउड फील करते हैं इस फिल्म पर? इस फिल्म के लिए हमें कोई भी अवार्ड कोई भी लिस्ट उससे बड़ा मतलब लोगों का प्यार है कि वो प्यार पिछले साल अक्टूबर में ये फिल्म प्रीमियर हुई थी बुसान फिल्म फेस्टिवल में, और तब से लेके आज तक हमें इस फिल्म के लिए इतना प्यार मिल रहा है, और वो प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बाकी मतलब अवार्ड्स को ज़्यादा मायने देना मेरे सोचने में उचित नहीं है। इसके अलावा मनोज बाजपेयी को भी काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है एशिया पैसिफिक का, वो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहूँ भाई, मैं बहुत छोटा हूँ इतने बड़े परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी कहने के लिए, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि शायद ही बहुत कई सालों में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा ने देखा, और इस बात को रिकग्नाइज़ किया एप्सा ने, जो एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स है, जो जिनको मतलब कई लोग एशिया के ऑस्कर्स मानते हैं, उन्होंने इस बात को पहचाना। वो न सिर्फ मनोज बाजपेयी जैसे आर्टिस्ट बल्कि हमारी फिल्म के लिए बहुत बड़ी सराहना है। फिल्म बनने से पहले और अब इतनी सराहना मिलने के बाद ये जर्नी कैसी रही आपके लिए? जर्नी तब कंप्लीट होगी जब सेक्शन 377 इस देश से हटाया जाएगा, तब इस फिल्म की जर्नी हम कहेंगे कि कंप्लीट हुई है, क्योंकि वो इनजस्टिस जो सेक्शन 377 के ज़रिए, जो होमोफोबिक सोसाइटी के ज़रिए आज भी हमारी सोसाइटी में है, वो जब तक नहीं हटेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमारी फिल्म सफल हुई है। बिल्कुल भाई, देखिए ये सारे जो है आपके ह्यूमन राइट्स है, आपके निजी राइट्स है, जिनको हमें इसके लिए इतनी लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। तो हमारे टीम के एक मेंबर है जो अभी फ़िलहाल दिल्ली में है, इसी राइट के लिए लड़ रहे हैं। आपकी जो सोच थी पिक्चर बनाने से पहले, जो आपकी सोच थी, उस सोच पे लगता है आपको मनोज बाजपेयी खड़े उतरे हैं? बिल्कुल, मनोज बाजपेयी भाई मैं वही कह रहा हूँ कि भाई मेरे लिए मतलब एक छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि मनोज बाजपेयी खड़े उतरे, मतलब वो मतलब इस देश के महान एक्टरों में से एक हैं, और उनके बारे में कुछ कहना मतलब मेरे जैसे या किसी के लिए भी मतलब बहुत छोटी बात होती है। मूवी को निर्जा और दंगल के लेवल का कंसीडर किया जा रहा है, इस बात से आपको खुशी मिलती है? भाई हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म की अपनी एक किस्मत होती है। निर्जा बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फिल्म है, और दंगल मैं कल देख रहा हूँ, तो मैंने सुना है कि बहुत ही कमाल की फिल्म है, तो हर फिल्म की को अलग से देखना चाहिए, उनको कंपेयर करना मतलब हर एक फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी है। आपकी मूवी आ रही है सिमरन जी, तो आपने एक सॉन्ग में कंगना को कंसीडर किया है, कौन सॉन्ग में? वो पिक्चर की हीरोइन है भाई। अच्छा, एक सॉन्ग कर रहे हैं आप? हाँ सॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर की हीरोइन कंगना रहना होते हैं। कहना चाहेंगे आप मूवी के बारे में? अब मतलब थोड़ा जल्दी है उस फिल्म के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि फिल्म सितंबर 15 2017 में रिलीज़ हो रही है, हमने उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, और हम अभी पोस्ट प्रोडक्ट एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करेंगे। लेकिन इतना कहूँगा कि मुझे अलीगढ़ के बाद, शाहिद के बाद, राजकुमार राव और मनोज बाजपेयी के बाद एक महान अभिनेता के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। अलीगढ़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अक्लेम ओवरसीज फेस्टिवल सर्किट्स, बट समहाउ आई डोंट फील द इंडियन अवार्ड सेरेमनीज हैज समहाउ शाइड अवे फ्रॉम रिवॉर्डिंग अलीगढ़ दैट मच टू यू। वेल वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग,
awards and award ceremonies are television shows. Television shows, and they are meant to attract TRPs. They are not necessarily a recognition of greatness. So for us, the fact that Manoj has received the APSA is a great honor. It is an honor for not only us, for Aligarh, it is an honor for the entire country. And we should celebrate that. For me, the love that the film has received, and eventually when Section 377 is abolished from this country, it will be the biggest award that this film will ever receive. Thank you so much. Hey, hi. Yes. राजकुमार, आप इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा थे, इतने सारे अवार्ड से गुजर चुकी है, कितना प्राउड फील करते हैं? बहुत प्राउड फील करते हैं. आई थिंक हंसल सर की हर फिल्म पे हम बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. शाहिद, सेटेलाइट्स, अलीगढ़, अभी ओमेटा है, सिमरन है. आई थिंक ही इज़ अ फैमिली नाउ, ही इज़ मोर देन अ फिल्म मेकर. सो इट्स लाइक यू नो, घर वही जैसे शादी होती है, वो जो खुशी है ना, इट्स दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस. इसके अलावा हर फिल्म का हिस्सा रहा है, तो कैसी बॉन्डिंग है आपकी हंसल सर जी के साथ? It's amazing, yeah, the kind of bonding we have, it's we really can't define that. You know, it's very rare that something like this happens between a director and an actor. But I'm very glad, and I'm overwhelmed that we share this kind of relationship now. Iske alawa Manoj Bajpayee ji ko Asia Pacific Screen Award. Oh yeah, yes. It's a huge honor. I think as far as I know, I think he's the first Indian who has received this award. And I think that's the thing we're going to say, Hansal sir. I think we both worked in City Lights together. And Manoj sir totally deserves it. I mean, that absolutely. Kind of performance is rarely seen. I think it's one of the finest performances of the year. Second time you going to work with him now in the Simran. So how was the experience working? Which what second time? Which is the second film? Second film. No, I'm who? No, I don't think so. I'm in Simran. ये वाली जो सिमरन है वो राज के बिना है. Okay. But how important do you think Aligarh is in the context of breaking stereotypes about homosexuality? You think? It is very important. I think we should. We as filmmakers are also opening up to the idea now. I saw Kapoor and Sons, and now Aligarh, and there was Bombay Talkies. I think I'm very happy that you know we are the perception and the scenario and the way we portray gay characters on screen is definitely changing, and thanks to filmmakers like Hansal sir, Karan Johar and the writers, I think it's a great change. Iske alawa Bollywood ke jo award shows hai unko bhi apna nazariya badalna chahiye in tarah ki choti film. I really can't comment on that. Yeah, kya kisko kya karna chahiye, hamara jo kaam hai hum wahi kar sakte hain. Hamara kaam hai camera ke samne imandar rehna, apni honesty se kaam karna. Baki jo jisko I won't say, because you know I got an award for Shahid, a Filmfare award. So I don't know who to change what, yeah, but I think the kind of response we get from the audience and the love, the kind of love we get from you guys is more than any award. What best appreciation you get from your band and Bollywood? Sorry, best appreciation for the comment you get from the Bollywood? Any special compliment for your characters? A lot of great comments. Yeah, he spoke Malu so well. Malayalam. Yeah. Being so that was Indian, I think. Yeah, that was quite a task, but I think I managed pretty well. Patralekha, what do you want to say about the Indian award shows? Is there ki choti filmon ko bhi chance milna chahiye? What do you think? I don't know. I think there's a criteria. There are jury members. There's a criteria. There's a jury member who's sitting there and choosing the films. So I'm sure they know their job, and yeah. But getting an award like what he got in Australia, yeah, is way bigger than a lot of awards. So I'm very happy that Manoj sir has got it, and I'm sure in future, in couple of months, he's gonna get much more of them. When can we see you both together? I think soon. Soon. We are going to collaborate. Yeah, there's something that we both are reading and thinking about. So I guess after City Lights, it's time that we should come back together. कब का कर देना चाहिए था यार, वो तो जिन लोग जो लगा के गए थे उन लोगों ने भी अबॉलिश कर दिया कब का. हम लोग पता नहीं क्यों उनसे बस एक ही चीज़ सीख के उनके उसको पकड़ के बैठे हैं, और बाकी बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए जो हम सीख सकते हैं, अच्छी बात है वैसे से, बट 377 को पकड़ के बैठे हैं. आई थिंक डेफिनेटली उसको अबॉलिश कर देना चाहिए. इट्स हाई टाइम. यस, विजुअल ले लीजिए. यस, बुला रहा हूँ. Thank you.
हाँ एक सेकेंड पत्र लिखा जी एक सेकेंड हेलो सबसे पहली बात तो मैंने ये पिक्चर रिलीज़ के पहले देखी थी। शैलेश जी हैं, हंसल जी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, और तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी पिक्चर। आई फेल्ट के मनोज एंड राजकुमार बोथ वेर फैंटास्टिक इन द फिल्म। जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट था हंसल जी का, उसके लिए भी बहुत यू नीड करेज टू मेक अ फिल्म ऑन सच अ सब्जेक्ट। एंड आई ऑलवेज थिंक के मनोज ने बहुत अच्छा काम किया था पिक्चर में। एंड फाइनली आई थिंक ही इज गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। आपको सबसे ज़्यादा किसका अच्छा परफॉर्मेंस लगा? देखो, मतलब मनोज की पिक्चर है तो ऑब्वियसली के एंड ही इज मेड कम्प्लीट जस्टिस टू इट। एंड ऑफकोर्स देयर इज राजकुमार, हैज डन अ वेरी गुड जॉब। तो दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, उसमें से मनोज वाज एब्सोल्युटली जस्ट अप देयर, ग्रेट। सर, इसके अलावा इन फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मतलब बॉलीवुड में उसको सराहा नहीं गया, लेकिन बाहर बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, तो क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड में इस तरह की छोटी फिल्मों को भी सराहना मिलनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक तो छोटी मोटी फिल्में ऐसा नहीं सोचना चाहिए आदमी। इस तरह का डिफरेंट सब्जेक्ट लेके जो लोग आते हैं, जो लोग ऐसी पिक्चरें बनाते हैं, और अगर करेक्ट पिक्चर बनाते हैं, अच्छी पिक्चर बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें सराहा जाता है और उसे सराहा गया है। बट एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन ऑडियंस। एक उसका कभी कभी लिमिटेड ऑडियंस होता है, कभी बड़ा ऑडियंस होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी इस तरह की फिल्में बन रही हैं एंड इट इज़ रीचिंग द वाइडर ऑडियंस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा
स्टेटस ऐसा है कि वेल स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई है, तो होपफुली नेक्स्ट एक दो महीने में मैं कुछ बता सकूंगा उसके बाद. थैंक यू सो मच. जी ये मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए. हंसल मेहता जैसे डायरेक्टर एक नया हॉराइज़न खोल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी था कि ऑडियंस को नई तरह की कहानियाँ सुनने को मिले और ये एक और कदम है उसकी तरफ. डेफिनेटली इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड दीज आर द टाइम्स वेयर वी शुड टेल ऑल दीज न्यू स्टोरीज एंड इट्स एन ओपनिंग अप फॉर अस एज अ मेकर्स एंड फॉर आर ऑडियंस. सो इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ यू कैन से इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. सो वी नीड दीज गट्सी डायरेक्टर टू कम अप एंड गिव अस अ न्यू बिगनिंग. सर इसके अलावा अलीगढ़ बहुत सारे फेस्टिवल से गई है लेकिन कमर्शियली मतलब इस तरह की फिल्में अच्छा नहीं कर पाती, तो उसके लिए क्या रीज़न है? उसका एक ही रीज़न है कि हम डायरेक्टर्स थोड़े डरपोक हैं, कहानियाँ सुनाने से डरते हैं, इसलिए ऑडियंस को आदत नहीं पड़ती. तो अब जितनी ये कहानियाँ हम सुना पाएंगे, जितने गट्स के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, ऑडियंस को इस तरह की कहानियों की आदत पड़ेगी और वो बॉक्स ऑफिस पर भी दिखेगा. हाँ जी अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ कहानी पे काम कर रहा हूँ, जल्दी बताता हूँ. कोलैबोरेटिंग विद अनुराग कश्यप, देयर वर रिपोर्ट्स फॉर अ फिल्म, हाउ टू आर दीस? वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं और मैं हमेशा से चाह रहा था कि कुछ मिलके करें, तो अब मौका मिल रहा है तो कर रहे हैं. उसके बारे में अनुराग बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा. थैंक यू सो मच. बहुत कमाल की फिल्म है ऑफकोर्स, और हंसल साहब ने बनाई है फिल्म, मैंने देखी है, मैंने बहुत पहले देख ली थी फिल्म और बहुत ही इम्प्रेस हुआ था मैं मनोज भाई की परफॉर्मेंस से. ऑफकोर्स देखिए कुछ फिल्में होती हैं जो जिनको बाहर बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, जिसमें रमन राघव भी है, रमन उसमें मुझे भी अवार्ड मिला था जहाँ पे स्पेशल मेंशन का, मनोज भाई को बेस्ट एक्टर का मिला. कुछ फिल्में होती हैं जिनको बाहर बहुत पसंद किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा है, वक्त लगेगा अभी. मुझे भी मिला अवार्ड यार, और मनोज भाई मेरे सीनियर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने. तो इस फिल्म की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे उनकी? अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है मनोज भाई की इसमें. आई थिंक बहुत कम एक्टर हैं हमारी कंट्री में जो कर पाएंगे इस तरह की परफॉर्मेंस. फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल से गुजर चुकी है लेकिन बॉलीवुड में इस तरह की फिल्म की सराहना नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की मनोज भाई की परफॉर्मेंस की, स्पेशली अगर मैं कहूँ कि मनोज भाई की परफॉर्मेंस की सराहना होनी चाहिए. अभी तो यही है कि स्वस्थ रहें दोनों, जच्चा बच्चा जो है वो ऊपर वाले से दुआ बहुत ही अच्छे से परवरिश हो और बहुत अच्छे से स्वस्थ रहे, ये ज़्यादा. मेरी तो अभी रईस ही है जो आएगी. खुशी की बात है कि अच्छा है कि भाई उन्होंने वहाँ फिल्म रिलीज़ हो रही है, गुड, हमारा तो और कलेक्शन ही बढ़ेगा. थैंक यू.
I'm very, very proud. More than anything, I'm very proud for the film that it has got so much recognition outside. I'm very, very proud that even in India, people who have seen the film, they have been talking about the film, they have been raving about the film. So it's a proud moment because it's a small film and it has gone on such a huge journey, long journey. It has become so huge in so many people's mind, not only in India but also internationally. नहीं नहीं देखिए किसी अवार्ड में आपको फंक्शन में आपको अवार्ड नहीं देते हैं उसको लेकर के मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ. जहाँ पर आपको इज्जत मिलती है वहाँ पर इज्जत लेते हैं और थैंक यू बोलते हैं. यहाँ नहीं इज्जत मिल रही है तो हम थैंक यू नहीं बोल रहे हैं. सरकार ने 2 लाख की सब्सिडी दी है फिल्म मेकर्स को. किसने? 2 करोड़ की सब्सिडी दी है फिल्म मेकर्स को, तो उसके लिए क्या करें? कौन सी सरकार ने? झारखंड सरकार. नहीं नहीं, झारखंड सरकार के बारे में पता चला कि वो लोग फिल्मों को बढ़ावा देना चाहते हैं, फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं अपने स्टेट में, विच इज़ ए ग्रेट ग्रेट यू नो इनिशिएटिव. इससे खास करके उन सब फिल्मों को फ़ायदा होगा जिन फिल्मों के बजट कम होते हैं और जिन फिल्मों के रिलीज़ में दिक्कत आती है. इस तरह की फिल्मों को बनाने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं वो उस तरह की कहानियों को सोचेंगे जो झारखंड में फिल्माया जा सके. इससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है, तो एक बहुत ही बड़ी पहल है. मुझे तो पता ही नहीं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू भाई. हाँ यार, तुम लोग डांटते क्यों यार? मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है इसे डांटता है कोई. तो नए साल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. अगला साल आज के साल से, इस साल से बहुत ही अच्छा हो. न सिर्फ आप तरक्की करें, आपका समाज तरक्की करे, आपका पड़ोसी तरक्की करे, ये दुनिया तरक्की करे, दुनिया से हिंसा ख़त्म हो, औरतों बच्चों जिनका भी कत्लेआम हो रहा है वो सब रुके, गरीबी हटे, बेरोज़गारी हटे, बस हम यही चाहते हैं. बहुत बढ़िया. आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है. 2016 भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है क्योंकि अलीगढ़ की बहुत तारीफ़ हुई और फिल्म की तारीफ़ हुई. अलीगढ़ मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है क्योंकि मैंने हंसल सर के साथ शायद भी किया है और बहुत सारा फिल्म के साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ. इसके अंदर जो जिस तरह का इशू को उन्होंने उठाया और जिस तरह से इसकी कास्टिंग किया तो बहुत मज़ा आया. एंड आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि अभी अलीगढ़ की सक्सेस पार्टी हो रही है, कल दंगल रिलीज होने वाली है, तो पूरा माहौल जो है बहुत थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है. क्या खास बात होती है इसकी कास्टिंग आप प्लान करें? यार वो जैसे एक फादर के बच्चे को एडमिशन मिलता है तो स्कूल में अच्छा एडमिशन मिलता है, तो मुझे वो फीलिंग आती है कि जब मैं देखता हूँ कि सारे के सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सारे के नए एक्टर जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे आई फील लाइक अ फादर जिसके बहुत सारे बच्चे इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं. वेरी एक्साइटेड यार, मैंने 2 बार दंगल देखे, इतना खुश हूँ दंगल को देख के मैंने, क्योंकि आपकी हर फिल्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दंगल बहुत ही स्पेशल फिल्म है, कम से कम 1 साल लगा उसकी पूरी कास्टिंग करने में, पूरे प्रोसेस में, और जिस तरह से नितेश तिवारी और आमिर सर ने सपोर्ट किया, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. जाना चाहिए यार ऑस्कर में, जाने चाहिए ऑस्कर, जाने लायक है. आप सब देखेंगे, आप ही बता पाएंगे कि ऑस्कर जाने चाहिए कि नहीं. मुझे तो लगता है कि बिल्कुल जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए. थैंक यू. अलीबाग के बारे में क्या कहना चाहिए? इतने सारे अवार्ड.
नाम तो करेक्ट ले रहे हैं, अलीगढ़ अलीबाग कहते हैं। नहीं, मैंने ये फिल्म देखी और बहुत कमाल की फिल्म है, और मैं समझता हूँ हंसल ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। मनोज जो सब लोग जानते हैं हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं, उन्होंने क्या किरदार निभाया है और क्या खूबसूरती से फिल्म लिखी गई है, तो मैंने बहुत एंजॉय की। और मुझे बहुत खुशी है यार कि इस फिल्म को इतने एक्लेट्स मिल रहे हैं, दुनिया भर में लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, मनोज के काम की तारीफ़ हो रही है, हंसल के काम की तारीफ़ हो रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी, और दोस्तों के साथ उनकी खुशी में शामिल होने हम यहाँ आए। बिल्कुल, अच्छी फिल्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए यार, और अब मुझे लगता है बढ़ावा मिल भी रहा है। आप जितने इतने सारे लोग आज यहाँ अलीगढ़ को सेलिब्रेट करने आए हैं, उस फिल्म को इतने सारे एक्लेट्स मिले हैं, इतने सारे फेस्टिवल में फिल्म को पसंद किया है, हिंदुस्तान में क्रिटिकल अक्लेम फिल्म का बहुत कमाल का था, मनोज के काम की बहुत तारीफ़ हो रही थी, एक नई तरह की फिल्म थी, हंसल के काम की बहुत तारीफ़ हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्लेट्स जो बढ़ावा जिसे आप कह रहे हैं वो ज़रूर मिल रहा है आजकल। मतलब आई एम हैव टू टॉक अबाउट अलीगढ़ यार, जॉली का टाइम आएगा तो बात करते हैं जॉली पे। नहीं, आप जैसे लोग कहते हैं अच्छा ट्रेलर है तो मानने का मन करता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, वी आर वेरी हैप्पी, माई प्रोड्यूसर्स द कास्ट अक्षय एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी आर गेटिंग फॉर जॉली एल एल बी 2 ट्रेलर। Thank you very much. हाय, हाँ यार, ऑब्वियसली बड़ी कमाल की फिल्म है, एंड मनोज सर का मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी परफॉर्मेंस हर कोई जानता है बहुत अच्छी, एंड आज बहुत खुशी है इतना बड़ा अवार्ड उन्हें मिला है, एंड वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट। यार एक्चुअली अवार्ड्स मिले ना मिले, आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस बात करती है, सो आई थिंक कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो एक अवार्ड से सीमित नहीं की जा सकती, बट हाँ डेफिनेटली आई थिंक इंडस्ट्री जो है वो हर तरह की फिल्म के लिए खुल रही है, एंड आई एम श्योर इस तरह की फिल्मों के भी आगे यहाँ पर भी और अवार्ड्स। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। हाँ श्योर, यार अभी तक तो अच्छी जा रही है, वी अभी एक शेड्यूल हमने रैप किया है, एंड जनवरी में नेक्स्ट शेड्यूल है, सो या अच्छा है मेरे लिए यार, दे दे प्लीज़ यार। इज इट रोमांटिक कॉमेडी? हाँ यार रोमांटिक कॉमेडी है, एंड लोगों को पसंद आनी चाहिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म, एंड हंसल मेहता आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल डायरेक्टर्स वी हैव, एंड आई लव वॉचिंग हिज फिल्म्स, आई लव शाहिद, एंड दिस इज जस्ट अनदर अमेजिंग ब्यूटीफुल फिल्म ऑन मेड ऑन सच अ अमेजिंग ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, एंड सो सेंसिटिवली मेड, सो वेल मेड, एंड ऑफकोर्स वी कान स्टॉप टॉक, वैन यू टॉक अबाउट अलीगढ़ यू हैव टू टॉक अबाउट
You have to talk about Manoj Bhai. I think he gave a life, one of his best performances of his career. And so it's good that such films are celebrated, such films are being made, and there's a beautiful party here for that. So, I'm not doing a film with Tapsee. We did that film 3 years back. Okay, so but I think अच्छा वक्त शुरू हो रहा है 2017 3 फरवरी को रिलीज हो रही है 2 जून या 3 जून को हमारा प्रोमो आएगा एंड आई होप आप लोगों को पिक्चर अच्छी लगे लोगों को अच्छी लगे थैंक यू फोटोज Related questions. The film related questions. Visual.